वेलकम टू माय चैनल इशायरा एंड मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अनदर स्किन केयर रूटीन। और जो मैं स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूं, जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने जा रही हूं यार, वो सबके घर में होगा, सबके घर में हो गया। और वो है पानी, और पानी से बना हुआ आइस क्यूब। मैं बताए पिछले 15 मिनट से कैमरे के सामने बैठी हूँ, मैं सोच रही मैं इंट्रो शूट कैसे करूँ, मैं कैसे बताऊँ अपनी बात। बट फिर मैंने सोचा यार मैं बताऊँगी, धीरे धीरे उस बात को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी, समझाऊँगी, तो आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ में आएगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में जाने से पहले आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी आप तुरंत सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्जी है। आप मेरा ये वीडियो देखो, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रही हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और साथ ही साथ आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। छोटी सी फैमिली है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे स्किन पे पड़ रहा है, हमारे फेस पे पड़ रहा है। ये देखिए हमारा खुजलाना शुरू हो गया मेरा, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है। फैन वैन बंद करके हम लोग वीडियो शूट करते हैं, अगर हमने फैन या ऐसे कुछ चला लिया तो आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं जाएगी इस वजह से। और हमको क्या करना है, हम लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट्स सो गुड, ये है एक आइस क्यूब। आइस क्यूब को आपको कैसे लगाना है ये भी मैं बता रही हूँ। बहुत तरीके हैं, बहुत अतरंगी तरीके हैं यार इसके, आप चाहे जैसे लगा लो इसको। आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, आप इसमें कुछ मिक्स करके भी लगा सकते हो। मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप कैसे नीम और ग्रीन टी और गुलाब को सबको मिला के आप कैसे एक बहुत अच्छा अपना आइस क्यूब का फेशियल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वो है शॉर्ट्स। तो चलिए हम बात करते हैं आज की जो है आइस क्यूब की। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आइस क्यूब के क्या बेनिफिट्स हैं। लोग मतलब रहते ना, मैं क्यों लगाऊं यार आइस क्यूब, जब तक आपको किसी चीज के बेनिफिट नहीं बताऊंगे तब तक आप उस पर अप्लाई नहीं करोगे। तो जो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके स्किन के एक्ने को कम करता है। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एक्ने, आप देख लो ये है। और इस समय मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ यार, सीधे नहा के और बैठ गई हूँ वीडियो शूट करने। काजल वाजल जरूर लगा रही हूँ, लिपस्टिक, क्योंकि फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी दिखना पड़ता है ना, इसलिए। अब लिपस्टिक कैसा लग रहा बताइएगा, मुझे तो ठीक ही ठाक लग रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपका जो एक्ने है उसको ये कम करेगा, रेडनेस को उसको रिड्यूस करेगा, एक्ने होने से बचाएगा, आपके फ्यूचर एक्ने और ब्रेकआउट से बचाएगा, आपकी स्किन को कूल करेगा। सेकंड जो बेनिफिट है वो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, रेडियंट बनाएगा, और आपकी जो स्किन में ऑक्सीजन लेवल है उसको बूस्ट अप करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। और इसमें जो नेचुरल एसेंशियल्स हैं, मतलब जो विटामिन्स हैं, जो विटामिन्स आपके स्किन को चाहिए वो मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसको रब करने के बाद या इस पर मसाज करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आप लगाओगे वो बहुत जल्दी आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको ये बात नहीं पता होगी ना, बहुत जल्दी आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने उसमें ले लेगी। जो थर्ड मेन पॉइंट है, जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपकी आइज के नीचे जो पफिनेस होती है, आइज के नीचे लोगों के पफिनेस हो जाती है एज के दौरान या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर आप रखिए थोड़ी देर, उससे मसाज करिए, तो आपकी आइज की पफिनेस काफ़ी हद तक धीरे धीरे रिड्यूस होगी। इसको आपको डेली सुबह और शाम आपको अपनी आइज पे रखना है और इसको सर्कुलर मोशन में आपको इसको मसाज करना है। ट्रस्ट मी डियर, आपकी आईज की पफिनेस को दूर करेगा, आपकी आईज की डार्क सर्कल को कम करेगा और आपकी जो आईज होगी ना वो ब्राइटन अप होगी। मेकअप करने से पहले अगर आप ये ट्रिक आजमाते हो, आप देखिए आपकी आईज कितनी ज्यादा ब्राइटन अप लगती है। फिफ्थ जो है, आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं इसको ये कम करेगा। बेस्ट रेमेडी है फॉर डार्क सर्कल, आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको डार्क सर्कल की क्रीम नहीं है, एलोवेरा नहीं है, फलाना है, ढिमका, ये सब नहीं है यार, बर्फ तो है आपके घर में, आप इसको लगाइए। बेस्ट रेमेडी, इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर रिड्यूसिंग योर डार्क सर्कल।
आई एम स्वेटिंग सो मच। एंड फिफ्थ है कि ये आपकी साइंस ऑफ एजिंग जो है, आपके रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, इसको ये कम करता है, आपकी साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है, आपकी जो रिवर्स कर देता है, आपकी साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स कर देता है, इट रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को ये तेज करता है। सिक्स्थ है कि ये आपके इन्फ्लेमेशन को आपको ये काम करता है। सेवन्थ, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को, अगर आप इसको मिल्क के साथ, अगर आप मिल्क आइस क्यूब बनाते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मिल्क में थोड़ा सा वाटर डालना है और इसको जमा देना है, क्योंकि मिल्क में होता है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए। कच्चे दूध को आप लो, नहीं तो आप पके दूध को भी ले सकते हो, कुछ नहीं मैटर करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो ये यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, आइस फेस पैक, आइस फेस मास्क, आइस फेस मसाजर, कुछ भी कह लो यार, मतलब तो लगाने से है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें आप मैंने लिया है एक गिलास वाटर, आप आरओ का वाटर लीजिए, पानी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पूरा प्योरीफाइड होता है। इसमें मैंने मिलाया है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप वैसे भी यूज़ करिए, आपके पास अगर पेड़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको जो सूट करता है, जिस कंपनी का आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको ले सकते हो। उसमें मैंने मिलाया 2 चम्मच एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा जेल क्या करता है, एलोवेरा जेल सबको पता यार क्या करता है, कि एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन B12, इतने सारे विटामिन अवेलेबल होते हैं सिर्फ एलोवेरा जेल में। ये आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, साइंस ऑफ एजिंग को धीरे धीरे ये कम करता है, और इसमें होता है 98% वाटर विच हेल्प्स मॉइस्चर सूथ एंड हाइड्रेट द स्किन। जब 98% आप में इसमें वाटर होता है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, सूदनिंग करता है, और बहुत बेनिफिशियल है। फिर मैंने मिलाया इसमें 1/2 लेमन। लेमन सबको पता है इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आप इसको यूज़ करिए। अगर आपको लेमन से एलर्जी है तो आप स्किप कर सकते हो, उसकी जगह आप रोज़ वाटर डाल सकते हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। विटामिन सी में यह आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है। इसको आपको लगाना कैसे है, इसको आपको डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है, आइस क्यूब कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे मत अप्लाई करिएगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर द स्किन। आपको कॉटन के हैंकी में लेना है, जैसा मैं दिखा रही हूँ, आपको कॉटन के हैंकी में लेना है 1 to 2 क्यूब्स, 4 to 5 क्यूब्स भी ले सकते हो। 1 से 2 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और इसको छोड़ देना है। इसको आपको दोनों टाइम मसाज करनी है, सुबह और शाम दोनों टाइम, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा विद इन अ वीक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलने वाला है। इसको आप ट्राई करिए, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई करिए, कुछ भी हो, आपकी स्किन में रैशेस है, इचनेस है, डार्क सर्कल्स है, पफिनेस है, स्पॉट्स है, एनीथिंग, नहीं है ये प्रॉब्लम कोई भी, तो भी आप इसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, साइंस ऑफ एजिंग को कम करेगा। तो भाई यंग लिखना तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई मैं यंग दिखूँ, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर रिवर्सिंग योर साइंस ऑफ एजिंग। सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप रहो अपडेटेड। वो जो साइड में रेड है ना सब्सक्राइब वाला, उसको आप नॉक करिएगा तो टिंग टोंग वो ग्रे हो जाएगा, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे सारी वीडियो आपके सामने आ जाए। सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप ये यूज करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।